मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे बीबीडी सेल और अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल से रिलेटेड, बट आई एम 100% श्योर कि किसी ने भी आईफोन के बेसिक वेरिएंट के अलावा किसी और वेरिएंट के बारे में बात नहीं किया होगा। यानी कि अगर बेसिक वेरिएंट 64GB का है तो उन्होंने 64GB का ही प्राइस बताया होगा, 128GB का प्राइस नहीं बताया होगा। अगर 128GB का है जैसे कि आईफोन 13 में है तो सिर्फ और सिर्फ आपको 128GB का ही जानकारी होगा, 256GB का जानकारी नहीं होगा। और बहुत कम लोगों ने बताया होगा कि ये जो ऑफर प्राइस है ये बैंक ऑफर लगाने के बाद है या फिर बैंक ऑफर लगाए बिना प्राइस है। बट इस वीडियो में मैं सारी चीजें कवर करने वाला हूँ एक एक करके, और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये सेल कितना देर तक चलेगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट का जो बीबीडी सेल चलता है ना वो बहुत ही कम समय के लिए चलता है और उसी वक्त आपको खरीदना पड़ता है, और उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि आपसे कोई भी आईफोन मिस ना हो, जो आईफोन आप लेना चाहते हैं वो आपसे मिस ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग 7-7 महीना 8-8 महीना इंतजार करते हैं बीबीडी सेल का। सो इन दिस वीडियो यू विल गेट द कंप्लीट नॉलेज ऑफ बीबीडी सेल एंड Amazon's ग्रेट इंडियन फेस्टिव सेल। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी मैं आपको प्राइस बताने वाला हूँ ये सारे एक्सपेक्टेड प्राइस हैं, ये कोई कंफर्म प्राइस नहीं है, बट हाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है 1-2 हज़ार रुपया ज़्यादा देखने को मिले या फिर 1-2 हज़ार रुपये कम भी देखने को मिल सकता है। सो दिस इज एन एक्सपेक्टेड प्राइस, नॉट द कंफर्म प्राइस। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द आईफोन 12 मिनी, और इस लिस्ट में जितने भी मैंने आईफोन शामिल किए हैं वो सारे 5G आईफोन हैं। दैट मींस आईफोन 12 से पहले के स्मार्टफोन को मैंने शामिल नहीं किया है, क्योंकि वो उतना सेंस भी नहीं बनाता है 2023 में। अगर आप आईफोन 11 लेना चाहते हैं तो बैटरी बैकअप आपको उतना ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, एंड दैट्स वाई वी हैवन इंक्लूडेड दोज स्मार्टफोन्स। एंड इन 2023 आई थिंक 5G इज मस्ट। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द आईफोन 12 मिनी। आईफोन 12 मिनी अगर देखा जाए तो पिछले साल लगभग 34,000 यानी कि 33,999 रुपीस में बिका था बीबीडी सेल और Amazon's ग्रेट इंडियन फेस्टिव सेल में, बट इन दिस ईयर यू विल गेट दिस स्मार्टफोन ओनली ऑन 28,999 रुपीस। बट ये सिर्फ और सिर्फ 64GB वाले वेरिएंट की बात है, बट अगर आप 128GB वाले वेरिएंट लेना चाहते हैं तो वो लगभग आपको 34,000 या 35,000 के आसपास में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो मैंने आपको प्राइस बताया है ये एक्सक्लूसिव ऑफ बैंक डिस्काउंट है, इसके अलावा आपको बैंक डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। हो सकता है किसी किसी बैंक में 5% मिले और किसी किसी बैंक में 10% भी मिल सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आईफोन 12। आईफोन 12 अगर देखा जाए तो पिछले साल 41,500 रुपीस में बिका था, ये मैं लोवेस्ट प्राइस बता रहा हूँ, सारे लोग नहीं खरीद पाए थे इस प्राइस में, बहुत कम लोग खरीद पाए थे। बट इस साल का जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो है 32,999 रुपीस 64GB वाले वेरियंट का, और 128GB वाले वेरिएंट की बात करें तो वो लगभग 34,000 to 35,000 रुपीस में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये भी जो मैं आपको बता रहा हूँ बैंक ऑफर एक्सक्लूड करके, इसके बाद आप 10% का बैंक ऑफर भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो है आईफोन 13 मिनी, ये पिछले साल बीबीडी सेल में 41,999 रुपीस में बिका था, बट इस साल ये आईफोन 32,999 रुपीस में देखने को मिलेगा, 128GB की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर 256GB की बात करें तो ये आपको 40,999 रुपीस में देखने को मिलेगा, हो सकता है 1-2 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो, और ये भी मैंने बैंक ऑफर एक्सक्लूड करके बताया है, इसमें आप 10% का बैंक ऑफर लगा सकते हैं अगर आपके पास कार्ड है तो। नेक्स्ट है आईफोन 13। पिछले साल आईफोन 13 बहुत ही एक्सक्लूसिव प्राइस में बिका था, बहुत ही अच्छे ऑफर में बिका था बीबीडी सेल में, और इस साल भी इसका प्राइस बहुत ज्यादा ड्रॉप होने वाला है, पिछले साल से भी बहुत कम कीमत पर आपको देखने को मिलेगा। सो बात करते हैं बीबीडी सेल 2022 में ये कितने में बिका था। ये बिका था बीबीडी सेल 2022 में 46,999 रुपीज में, लिटरली ये स्मार्टफोन 47,000 रुपीज में बिका था, वो भी बैंक ऑफर लगाए बिना। और जिन्होंने बैंक ऑफर लगाया था 5% का उस वक्त डिस्काउंट मिल रहा था, तो बैंक ऑफर लगाने के बाद ये लगभग 45,000 के आसपास में मिल रहा था। बट इस साल ये आईफोन कितने में बिकेगा ये जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके लाइफ में मैं थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर रहा हूं इस वीडियो के जरिए, देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लग जाते हैं और बहुत ज्यादा रिसर्च भी करना पड़ता है। सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल ताकि इस तरीके के नए नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना सकूं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइसिंग। तो ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा 41,999 रुपीस में। यस, इस साल आपको उतना ज्यादा डिस्काउंट देखने को नहीं मिलेगा, उसके पीछे का रीजन है आईफोन 14। बट उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका जो 256GB वाला वेरिएंट है वो आपको देखने को मिलेगा 51,999 रुपीस में। हो सकता है इसमें भी 1-2 हज़ार रुपये का डिफरेंस देखने को मिले, और इसमें भी मैं जो बता रहा हूँ ये बैंक ऑफर लगाए बिना बता रहा हूँ। इसके बावजूद आप 10% या 5% का बैंक ऑफर लगा सकते हैं, जैसा बैंक ऑफर चलेगा उस वक्त आप वैसा बैंक ऑफर लगा सकते हैं। ओके, सो अब बात करते हैं आईफोन 14, आईफोन 14 प्लस एंड आईफोन 14 प्रो की। बट वेट, मैंने तो आपको बताया नहीं कि आईफोन 14 का प्राइस इस साल बहुत ज़्यादा ड्रॉप क्यों नहीं हुआ।
वेल, इसके पीछे का रीजन है आईफोन 14। यस, आईफोन 14 और आईफोन 13 में ना के बराबर फिजिकल डिफरेंस है और बहुत ही कम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिफरेंस है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों ने ना आईफोन 13 प्रीफर किया है इस साल आईफोन 14 के बजाय। और यही वजह है कि ये लोग आईफोन 13 के बजाय आईफोन 14 सेल करना चाहेंगे। ये लोग कुछ साइकोलॉजी का यूज करेंगे, जैसे कि दोनों आईफोन के बीच, यानी कि आईफोन 13 और आईफोन 14 के सेम वेरिएंट, यानी कि 128GB वाले के बीच प्राइस डिफरेंस जो है ना बहुत कम रख देंगे, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग आईफोन 13 को छोड़कर आईफोन 14 खरीदने वाले हैं। और ये डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे? आईफोन 13 के प्राइस को बढ़ाकर, मतलब कि प्राइस घटाया नहीं जा रहा है, iPhone 13 का प्राइस बढ़ा दिया जा रहा है ताकि आप iPhone 13 को छोड़कर 14 खरीदोगे। और इस तरह से ये लोग iPhone 14 को सेल करने वाले हैं। बहरहाल मैं आपको प्राइस बता देना चाहता हूँ, iPhone 14 का जो बेसिक वेरिएंट है 128GB वाला, ये आपको देखने को मिल जाएगा 48,999 रुपीस में। और इसका जो 256GB वाला वेरिएंट रहेगा वो आपको देखने को मिल जाएगा 58,999 रुपीस, या फिर इससे 1-2 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। बट यहाँ पर मैं आपको एक प्रो टिप बता देना चाहता हूँ, अगर iPhone 13 और iPhone 14 के सेम वेरिएंट के बीच प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा ना रहे, यानी कि 5-6 थाउजेंड का प्राइस डिफरेंस रहे, तो आप iPhone 13 को छोड़कर iPhone 14 खरीद लेना, वो ज़्यादा सेंस बनाएगा। बट अगर प्राइस डिफरेंस 10,000 का रहे तो फिर मुझे नहीं लगता है कि उतना सेंस बनाएगा iPhone 14। यू मस्ट गो फॉर iPhone 13। नाउ लेट्स टॉक अबाउट iPhone 14 प्लस। इस साल आपको iPhone 14 प्लस BBD सेल और Amazon के ग्रेट इंडियन फेस्टिव सेल में 56,999 रुपीस में देखने को मिल सकता है, या फिर 56,000 में भी देखने को मिल सकता है। और ये सारा जो प्राइस मैं बता रहा हूँ ये बैंक ऑफर लगाए बिना है। इसके अलावा आप 10% या 5% का जो भी उस वक्त ऑफर रहे उस तरह का बैंक ऑफर लगा सकते हैं, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड रहे तो। और इसी तरीके से इसका जो 256GB वाला वेरिएंट रहेगा उसका प्राइस आपको देखने को मिलेगा 65,999 रुपीस में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आईफोन 14 प्रो व्हिच कम्स विथ अ डायनामिक आइलैंड, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है बहुत लोगों को, मुझे भी अच्छा लगता है। सो ये आपको देखने को मिल जाएगा 88,999 रुपीस में। बट वेट, वीडियो इज नॉट ओवर येट। अभी तक तो मैंने आपको बताया नहीं कि सेल कितनी देर तक चलेगा और आप अपने आईफोन का बुकिंग सबसे पहले कैसे कंफर्म कर सकते हो, क्योंकि पिछले साल बहुत सारे फ्रॉड हुए थे फ्लिपकार्ट में, बहुत सारे लोगों का ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया था। और इससे बचने के लिए मैं आपको एक प्रो टिप दे देना चाहता हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेल कितने देर तक चलेगा। खैर, सेल जो है वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, बट हाँ ऐसा भी नहीं Xiaomi के फ्लैश सेल के तरह कि 1-2 सेकंड तक चलेगा। ये सेल लगभग 5-10 मिनट तक चलेगा, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला है। लेकिन आपको क्या करना है, जितना जल्दी हो सके 1-2 मिनट के अंदर ही अपना बुकिंग कन्फर्म कर लेना है। और उसके लिए आपको क्या करना है, आप फ्लिपकार्ट का प्लस मेंबरशिप ले लेना ताकि आप एक दिन पहले ही सेल का लाभ उठा सको, अदरवाइज आप नहीं खरीद पाओगे। सो या यू हैव टू बाय फ्लिपकार्ट प्लस मेंबरशिप, अदरवाइज अगर थोड़ा सा भी लेट हो गया तो ये लोग बुक किए हुए स्मार्टफोन को भी कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि इनका स्टॉक जो रहता है ना वो लिमिटेड रहता है, बहुत ज्यादा नहीं रहता है। इसके बाद फिर ये क्या करते हैं, हर आईफोन में 2-2 हज़ार प्राइस बढ़ाते जाते हैं, हर 2-3 मिनट के बाद प्राइस बढ़ते जाता है। सो जितना जल्दी हो सके आप अपना ऑर्डर कंफर्म कर लेना। सो यही था आज की वीडियो में। अगर इस वीडियो में मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा बताया, कुछ अच्छी जानकारियां दी है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि इस तरीके के नए नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना सकूं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। सलाम, माय नेम इज शाकिर।